वो कहते ना, जिंदगी है एक खूबसूरत सफर, इसका हर एक पल जी भर जियो, जिंदगी में करते रहो हमेशा सफर, क्या पता ही समा फिर हो ना हो। तो गुड मॉर्निंग, डे थ्री शुरू हो गया है और सीधा निकल रहे हैं गंगोत्री। 30 किलोमीटर है। तो कैसी है मेरी YouTube फैमिली? तो जर्नी जस्ट वाओ। तो सुबह का हो गया है यार, 9 बजे है, थोड़ा लेट हो गए और धूप बहुत तेज़ है यार। हालांकि रात को यहाँ ठंड थी, आप ये नहीं कह सकते, हमने रजाई उड़ी हुई थी और रूम भी अच्छा खासा था, सस्ता था बेसिकली। और अभी यात्रा का ज़्यादा सीज़न है नहीं, तो 1600 रुपये में हमें मिल गया 4 लोगों का, तो ज़्यादा पड़ा नहीं, 1400-1500 रुपये का हमने खाना खाया और अच्छा था खाना भी, स्वाद था, प्योर वेज मिलता है यहाँ पे, नॉन वेज वगैरह नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको पेट्रोल चाहिए तो भाई यहाँ मिलता है ब्लैक में, 130, 135, 140 जैसे जिसके हिसाब, तो हमें 130 रुपये का पेट्रोल मिला है और सही है। और अभी हम पहुँच रहे हैं गंगोत्री जा रहे हैं और बीच में क्या क्या व्यू आएगा वो तो देख ही लेंगे और आपको भी दिख जाएगा। और बाकी देखो यार, सुबह का यार पेड़ देखो यार, कितनी ग्रीनरी है, वाह, आंखों को ना बहुत अच्छा लगता है यार ये सुबह सुबह ग्रीनरी। और देखो रोड ना नैरो है यहाँ पे बिल्कुल, जैसे अभी उत्तरकाशी तक तो रोड बहुत सही मिली, उत्तरकाशी के बाद थोड़ी सी नैरो रोड हो गई, आपने देखा ही था। तो यार देखो कितना बढ़िया नज़ारा है यहाँ पे और ये पुल कितना ही प्यारा लग रहा है, ये देखो मस्त लग रहा है, ये मुझे बहुत पसंद है, क्या नज़ारा है। ये देखो साइड में कितना खुला है यार, वाह कितना वाइड एरिया है भाई, कितना वाइड एरिया है। नदी देखो कितनी प्यारी लग रही है और पहाड़ भाई साहब क्या नोकीले पत्थर से निकले हैं बाहर थोड़े थोड़े में। रास्ता बहुत अच्छा है, अभी तक तो हमें रास्ता बहुत अच्छा मिला। और उधर रुके थे हम, वो उधर की साइड में, इतनी जल्दी आ भी गए। यही तो है वादियाँ देखने के लिए, दिखाने के लिए। तेलंगाना 2 किलोमीटर है यहाँ से, पता नहीं छोटी छोटी जगह हैं, तो बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं यहाँ पे, फ़ोटो वोटो भी खिंचा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी एक जगह दिख रही है, फ़ोटो खींच लें यहाँ यार, ये फिर आना नहीं हो पाएगा यहाँ। तो यहाँ पे हम सोच रहे हैं एक फ़ोटो वगैरह खींच लें, सेशन कर लें फ़ोटो के। यहाँ पे हम सोच रहे हैं एक फ़ोटो वगैरह खींचेंगे, पीछे से पहाड़ियाँ दिख रही हैं तो एक अच्छा व्यू दिख रहा है। तो यहाँ पे हम फ़ोटो वगैरह खींच रहे हैं, देखो चारों धाम के लिए कहां कहां से लोग आते हैं, एमपी से भाई पूरा टेम्पो ट्रैवलर आया है, पूरे लोग भर के आए हुए हैं इसमें भाई, कम से कम महीना भर का इनका होता है हिसाब किताब, राशन वाशन बनाने वाला हलवाई वगैरह सब लेके आते हैं। तो भाई ऐसे ही नहीं, देवों की भूमि कहा जाता है हमारे उत्तराखंड को। बहुत शानदार है यहाँ पे, रोड तो अच्छी है यहाँ पे भी, बट नैरो है, बट ठीक है चलेगी। और अलग ही फील आता है यार बाइक चलाने का, जो राइडिंग करने का जो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है ना यार, वो सबसे अच्छा पहाड़ों में ही आता है। मैं आपको कुछ भी, आप कहीं पे भी चले जाओ, वो आपको पहाड़ों से अच्छा कहीं नहीं आएगा, वो जो फील है ना वो पहाड़ों से अच्छी कहीं मिल ही नहीं सकती आपको। और तो कहीं धूप है कहीं छाँव है, यही पहाड़ों का कुदरत होता है,
कहीं पे देखो इतने सारे पेड़ हैं जिस वजह से धूप नहीं आ रही, और यहाँ बर्फ़ भी पड़ती है, प्रॉपर बर्फ़ पड़ती है। अब यहाँ पर धूप आ गई तो ये चलता रहेगा, ये आँख भी छोली खेलती है कुदरत, कोई दिक्कत नहीं है। बस हम आराम से चल रहे हैं, बढ़िया से चल रहे हैं। भाई क्या नज़ारे हैं, अल्टीमेट यार, अल्टीमेट। मैं जितना बोलूं लेकिन बात रिपीट होती रहेगी कि मैं बार बार यही बोल रहा हूँ अल्टीमेट है, बट आप जब यहाँ राइड पे आओगे ना यार, मेरे जितने भी भाई लोग हैं, आपको एक अलग ही भाई मज़ा आएगा, यहाँ पे अलग लेवल का मज़ा आएगा। बहुत सही है यार, साथ में नदी बह रही है, इधर मौसम औसम हो रखा है, नज़ारे इतने प्यारे हो रखे हैं, रोड इतनी प्यारी हो रखी है, सब बहुत अच्छा चल रहा है। मैं बताऊं, दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। आप आओगे ना यहाँ, आपको आपको तब पता चलेगा यार कि भाई यहाँ पे लिखा हुआ हिमालयन लेपर्ड, बोर्ड लगा रखा है यहाँ पे हिमालयन लेपर्ड का। भाई होगा, भाई लेपर्ड होगा, बिल्कुल होगा, इतना बढ़िया जंगल है तो भाई यहाँ पे जानवर तो होंगे। और क्या घनघोर जंगल है यार, देखो एकदम मैक्सिमम रात में तो भाई क्या ही लगता होगा, ये एक्सट्रीम लेवल पे है जंगल। तो भाई दीपक जी हमारे आगे चल रहे हैं, और लंका 7 किलोमीटर ही है, पता नहीं कौन सी लंका है, 7 किलोमीटर रह गए हैं लंका, उसके बाद तो गंगोत्री आने वाला है। तो वादियाँ बहुत अच्छा है, मौसम बहुत ही ज़्यादा भाई अनबिलीवेबल है, मज़ा आ रहा है। और दीपक जी के यार क्या लग रहे हैं यार, हेलमेट बहुत प्यारा लग रहा भाई दीपक सर का, मज़ेदार। तो ये तो चलता ही रहेगा, थोड़ा बहुत पहाड़ों में ये होता ही है कि एक गाड़ी उधर से जा रही है तो इधर को रुकना पड़ता है। और ये हमारे पहाड़ी में इन्हें कहते हैं, जो ये पत्ते देख रहे हैं पिल्टू कहते हैं ना, ये आप देख रहे हो ना ब्राउन ब्राउन, ये फिसलते थे, हम छोटे थे तो ऊपर से पेड़ छेद करके थोड़ा सा पेड़ ले लेते उसमें से, और ऊपर से नीचे पहाड़ी से खिसक के आते थे, ज़्यादा थोड़ा सा, ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। तो ये तो थोड़ा बहुत होता ही है उत्तरकाशी गंगोत्री, ये तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट होता ही है पहाड़ों पर इस तरह का, आगे पीछे होने का, ट्रैफिक का, डायवर्ट का, थोड़ा लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ये होता ही है क्योंकि जगह जितनी होगी उतनी गाड़ी निकल पाएगी, बाकी सब सही है, सॉर्टेड है। और यार पेड़ देखो ऊपर, वो क्या बढ़िया लग रहे हैं यार, ये थोड़ा सा भाई पूरी चढ़ाई है ऊपर, प्रॉपर चढ़ाई है ये ऊपर, ओ ऊपर लिया 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 लिया, लेफ्ट में देखो कितने बड़े बड़े पत्थर हैं यार ऊपर से, गिरेंगे तो नहीं, छोटे छोटे पत्थरों पर टिके हुए हैं वो देखो। अरे है क्या सड़क है यार, मजा आ गया यार, मजा आ गया, बहुत सही यार, क्या एक्सट्रीम लेवल का यार मज़ा आ रहा है यार, क्या मज़ा है यार, दिल खुश हो गया यहाँ की सड़कें देख के, मज़ा आ रहा है यार, जो बाइक चलाने का मज़ा है ना भाई, भाई पहाड़ों में ही है। मैं बार बार ही इसलिए कह रहा हूँ यार, पता नहीं क्या बताऊँ, मैं बता नहीं सकता मेरी क्या फीलिंग हो रही है, कितनी बढ़िया बाइक चल रही है यार, और क्या सड़क है यार, क्या मोड़ है, क्या बैंड है यार, मज़ा आ गया। एक ही बात निकल रही है बट वो भाई ये निकल तो नहीं जाएंगे, गिर तो नहीं जाएंगे ऐसे टिके हुए, वाह बहुत ध्यान से चलानी पड़ती है पहाड़ों पे, ऐसे नहीं उठ पटांग चला लो, बिल्कुल नहीं, हीरो तो बिल्कुल ही नहीं बनना। यहाँ क्यों रुक गए, वहाँ से चलें, यहाँ से निकल के देखते हैं बीच से अगर जगह मिल जाए तो, हालांकि बाइक के लिए भी कई बार जगह नहीं मिलती,
और यहाँ थोड़ा सा लग गया है जाम मुझे लग रहा। एक साइड चलना, थोड़ी सी भी जगह बसती है, देखो दो बस कैसे निकलेंगी। तो ये दो बसें हैं, वो देखो कैसे निकाला भाई ने। शादी पार्टी एवं टूर हेतु चालक परिचालक, भाई नंबर ले लो, किसी को उत्तराखंड में शादी वादी और ले जाना हो तो भाई का नंबर ये रहा, कॉन्टेक्ट कर लेना भाई लोगों। वाह क्या खाई है यार, एक्सट्रीम लेवल पे है भाई यहाँ सब कुछ। गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क में आपका स्वागत है। तो ये भाई पार्क है देख लो गंगोत्री का, और हमारे जवान बस शुक्र करो बारिश नहीं हुई तो यहाँ का मौसम मिजाज हालात सब बदल जाते। और यहाँ पे गर्मी भी नहीं लग रही ज़्यादा, मतलब लग ही नहीं रही अगर मैं बताऊँ तो। ये कहते हैं भैरव घाटी, तो ये भैरव घाटी है। गंगोत्री 8 किलोमीटर आ गया, गौमुख 28 और नेलांग 23 किलोमीटर नगा। तो भागीरथी घाटी में आपका स्वागत है। तो नेलांग पड़ जाएगा लेफ्ट ये रहा, और गंगोत्री पड़ जाएगा सामने। तो आपको सीधा आना गंगोत्री की साइड, नेलांग नहीं जाना। तो आपने बोर्ड तो देख ही लिया है। और भाई देखो सामने यार कितना बढ़िया लग रहा है भाई। वो दिख रहा होगा भाई हिमालय बोरा, कितना जूम हो पाएगा मुझे नहीं पता, बाद में एडिटिंग पे देखूंगा। बट बोरा भाई यहाँ से मुझे क्लियर दिख रहा है, एकदम साफ साफ दिख रहा है सामने हिमालय, बहुत प्यारा दिख रहा है यार। नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल का भाई, नेक्स्ट लेवल का। और देखते कितना करीब जा पाएंगे। एकदम लाइन से देखो कितनी सारी गाड़ियाँ लगी हुई है भाई, तो अच्छी खासी पब्लिक आ रखी है मेरा भाई, अच्छी खासी पब्लिक आ रखी है भाई साहब। जाम भी लगा हुआ है यहाँ पे, और देखो पानी आ रहा है ऊपर से, और भाई पुलिस वाले भी लगे हुए हैं यहाँ पे। तो व्हील चेयर किस लिए भाई? अच्छा तो यहाँ पे व्हील चेयर की भी भाई सुविधा है, जो चलना पाए भाई उसके लिए है शायद ये। बाकी हम पहुंच गए हैं नहीं पहुंच गए मुझे पता नहीं अभी। और भाई खाना पीना फुल चल रहा है, पता नहीं हम गंगोत्री पहुंच गए या नहीं पहुंच गए, बट यहाँ पे तो लग रहा है कि पहुंच ही गए हैं। जिस हिसाब से मार्केट दिख रही है, भीड़ भाड़ दिख रही है और लोग दिख रहे हैं भाई, और व्हील चेयर बुज़ुर्गों के लिए है ऑब्वियसली। तो फाइनली हम पहुँच तो गए हैं गेट पर, और पूछना पड़ेगा कि कहाँ तक जाना है। और ये गेट है शायद, और भीड़ भी एक्सट्रीम लेवल पे है भाई, एक्सट्रीम लेवल पे भीड़ है। हमें लग रहा था कि हम ही लोग हैं क्या इतने, और भीड़ बहुत है। तो ये पूरी गंगोत्री की भीड़ है, और बाइक चलने तक की जगह नहीं है। ये भाई गेट है, और इतनी भीड़ है कि मैं क्या ही बताऊं। और बाइक कहाँ पार्क करनी है, गंगोत्री कहाँ है, कुछ आइडिया नहीं है कि हम पहली बार ही आ रहे हैं। और भीड़ देखो यार, ओ गॉड, एक्सट्रीम लेवल की भीड़ है, एक्सट्रीम लेवल की। और कहाँ बाइक पार्क करनी है वो तो देखना पड़ेगा। क्या कह रहे हो? आगे कभी भीड़ नहीं लगा दो भाई। अरे पता नहीं ना, चल तू आगे जितना मैक्सिमम हो सकता है, देखते हैं। जितना मैक्सिमम हो सकता है देखते हैं भीड़। और पूछ रहे हैं वहाँ पे कहाँ तक लग सकती है, पूछ लेते हैं भाई से एक मिनट। भैया यहाँ है क्या, मतलब गंगोत्री कितनी दूर है? 300-400 मीटर है बस। अच्छा तो बाइक यहीं लगा दें हम लोग। अच्छा अच्छा ठीक है, बाइक यहीं लगा देते हैं, ठीक है। चारों लगाना मिला के लगा दें, ठीक है। तो यहाँ पे 300-400 मीटर पे ही है, 400 मीटर आगे है गंगोत्री।
तो बाइक यहीं लगानी पड़ेगी। अब क्या करें सामान का, हैं? बाइक वहाँ लगा दो सामने। हाँ हाँ लगाओ ना, लगाओ, जगह नहीं मिलेगी, जल्दी लगाओ। इनको हटा देंगे ना, दो मिनट के लिए उड़ जाएंगे। क्या है, उड़ जाएंगे। रुको 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 रुको। तो ये भाई इस तरह की कंडी होती है, देखो। यहाँ लग गई हमारी बाइक और 300-400 मीटर पे यहाँ पे तो यहाँ हमने लगा रहे बाइक। और इसके बाद देखते हैं सामान का कैसे करेंगे, क्योंकि हमारा सामान तो हमारे साथ ही आता है। और यहाँ पे है, चलो फिलहाल देखते हैं क्या कर सकते हैं।